रुबीना दिलेक वॉर्न करते हुए नजर आई निकी तंबोली को। आइए देखते हैं कि संचालक जो बनी है रुबीना दिलेक, उन्होंने आखिरकार निकी तंबोली को क्या ही दी है वार्निंग। आइए बताते हैं आपको खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, मैं हुशुलका चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 के घर कैप्टनसी टास्क फिर एक बार लौट आया है और इस बार कैप्टनसी के लिए लड़ रही है सारी की सारी एंटरटेनमेंट क्वींस, जिनमें शामिल है नाम राखी सावंत, कश्मीरा शाह, अर्शी खान और निकी तंबोली का। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर निकी तंबोली को वॉर्न करते हुए नजर आई, यानी आगाह करते हुए नजर आई है रुबीना दिलेक, जो इस टास्क की संचालक है। जी दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रुबीना दिलेक संचालक होते हुए निकी तंबोली को आगाह करती है, वॉर्न करती है कि आप जो हो वो कुछ भी कीजिए पर इस टास्क को आपको जीतना है, कुछ भी कीजिए पर आप डिसक्वालीफाई नहीं होंगे इस टास्क में। ये वार्निंग दी है रुबीना दिलेक ने निकी तंबोली को। अब सभी को ये चाहिए कि निकी ही कैप्टन बने, बाकी जो तीनों हैं वो कैप्टन ना बने। अब हम सभी जानते हैं कि विकास गुप्ता जो है उनको नहीं है पसंद अर्शी खान, और इसलिए वो नहीं बनने देंगे अर्शी खान को कैप्टन। वहीं पर मनु पंजाबी जो है वो दिख रहे हैं किस प्रकार से बल बढ़ा रहे हैं हमारे निकी तंबोली का। तो अब यही देखना है क्या निकी तंबोली फाइनली कैप्टन बन पाएंगी, क्योंकि रुबीना ने तो उनको आगाह कर दिया है। अगर संचालक आपके साइड है तो शायद लगता है कि निकी ही ये टास्क जीतेंगी, पर क्या है आपकी राय, क्या निकी तंबोली को आप कैप्टन के अवतार में देखना पसंद करेंगे? जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का चौहान और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा।